कौशलपुर गांव में गोलू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर में उसके माता पिता और एक पालतू कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता था। गोलू अपने उन पालतू कबूतरों से बहुत प्यार करता है और दिन भर उनके साथ खेला करता था। गोलू बेटा, जल्दी जाओ पढ़ाई करो। मैं देखता हूँ तुम दिन भर केवल इन कबूतरों के साथ ही खेलते रहते हो। बस थोड़ा देर रुक जाइए ना पिताजी, फिर मैं सारी रात पढ़ाई करूँगा। तुम रोज रोज ऐसा ही बोलते हो, लेकिन जाकर बिस्तर पे सो जाते हो। क्या हुआ जी, आप क्यों मेरे गोलू को डांट रहे हैं? अरे विमला, इसे डांटू नहीं तो क्या करूं? तुम तो सब जानती हो ना कि कैसे अपना पेट काट कर हमने इतने बड़े स्कूल में इसे पढ़ाया है, और ये जनाब है कि दिन भर बस इन कबूतरों के पीछे ही पड़ा रहता है। खेलने दीजिए ना बेचारे को कबूतरों के साथ, आखिरकार यही तो बाबूजी की आखिरी निशानी है। हाँ विमला, तुम सही कहती हो। तुम्हें याद है गोलू के पैदा होने की खुशी में बाबूजी इन कबूतरों को कितना चहकते हुए हमारे घर लाए थे? हाँ हाँ, सब याद है। बाबूजी गोलू से कितना प्यार करते थे ना, अगर वो आज हमारे साथ होते तो गोलू के लिए कितना अच्छा होता। बाबूजी गोलू के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार भर देते। तुम सही कहती हो विमला, बाबूजी होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन ना जाने क्यों वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। गोलू के दादाजी 10 वर्ष पहले अमरनाथ की तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। सारे गांव वाले ये समझ चुके थे कि जरूर अमरनाथ की उन दुर्गम पहाड़ों में गोलू के दादा की मृत्यु हो चुकी होगी। दादाजी के जाने के बाद गोलू बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ये पालतू कबूतर और कबूतरी ही गोलू के हंसने खेलने का एकमात्र कारण थे। एक दिन गोलू के दोस्त गोलू से, ए गोलू, हम सब कल पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा? क्या पहाड़ों पर? पहाड़ तो वही होता है ना जहाँ पर बड़े बड़े झरने और गुफाएं होती है। हाँ गोलू, पहाड़ वही होते हैं। और केवल इतना ही नहीं गोलू, बल्कि पहाड़ों के पास तो जंगल भी होते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे पक्षी, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो हमने आज तक नहीं देखे और ना ही उनके बारे में सुना होता है। क्या सच में पहाड़ों पर इतना कुछ होता है? फिर तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है गोलू, फिर तू जाके अपने पिताजी से बोल कि वो तुझे कल पहाड़ों पर घुमाने ले जाए। मेरे कार में तो केवल 4 ही सीट है, 2 पर मम्मी पापा हो जाएंगे और बाकी 2 पर मैं और चंदू। तू अपना जुगाड़ खुद कर ले गोलू। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अपने दोस्तों के इस मजाक से गोलू बहुत दुखी होता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है, जहाँ पर एक शिकारी, आहा, कितना तंदुरुस्त कबूतरों का जोड़ा है यहाँ पर, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। मेरे मुंह से तो अभी से ही लार टपकने लगी है। कबूतर और कबूतरी बैठकर दाना चुग रहे होते हैं, तभी वो शिकारी अपना जाल बिछाता है और दाना डालता है, जिसमें कुछ देर बाद कबूतरी आकर फंस जाती है। लेकिन कबूतर अब भी गोलू के कमरे के बाहर ही मंडरा रहा होता है। काफी देर हो जाने पर भी जब कबूतर जाल में नहीं फंसता, तब शिकारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कबूतर पर गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो गोली जाकर कबूतर के पैर में लग जाती है और वो घायल हो जाता है। गोली की तेज आवाज सुनकर गोलू जाग जाता है। उसके पिता भी दौड़ते हुए बाहर आते हैं और शिकारी का पीछा करते हैं, लेकिन शिकारी वहाँ से 9:45 हो चुका होता है। अरे मेरे प्यारे कबूतर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पैरों से खून कैसे निकल रहा है? रुको, मैं अभी ही मरहम पट्टी लेकर आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है गोलू, घायल कबूतर बोल पड़ता है। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो मेरे प्यारे कबूतर? क्योंकि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है गोलू। तुमने वर्षों से मेरी और मेरी पत्नी कबूतरी की जो सेवा की है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मेरे प्यारे कबूतर, तुम ऐसा मत बोलो। तुम अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे साथ कौन खेलेगा? मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ गोलू, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ शायद इतने दिनों तक ही था। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपनी एक निशानी देना चाहता हूँ। निशानी? कैसी निशानी मेरे प्यारे कबूतर? मेरे जादुई पंख गोलू। क्या जादुई पंख? हाँ गोलू, मेरे पास जादुई पंख थे
ये बात मैंने तुमसे इसलिए छिपाई क्योंकि उस समय तुम छोटे थे, नादान थे, इसका दुरुपयोग कर सकते थे। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, इसका इस्तेमाल तुम अच्छे कामों के लिए करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ओह मेरे प्यारे कबूतर, तुम कितने बुद्धिमान हो। सुनो गोलू, मेरे मरने के बाद तुम मेरे जादुई पंखों से एक जादुई गद्दा बनाना। वो गद्दा मामूली गद्दा नहीं बल्कि पक्षी की तरह आसमान में उड़ने वाला गद्दा होगा, जिस पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। ये बोल वो कबूतर उसी समय मर जाता है और गोलू फूट फूट कर रोने लगता है। अगले दिन गोलू कबूतर के कहे अनुसार उसके जादुई पंखों से एक गद्दा बनाता है और उस पर बैठ जाता है। वो जादुई गद्दा सचमुच आसमान में उड़ने लगता है। गोलू के दुखी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। हुर्रे! ये जादुई गद्दा तो सचमुच पक्षी की तरह आसमान में उड़ने लगा। अब तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। पहले कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, सबसे पहले मैं पहाड़ों पे जाता हूँ, जहाँ मेरे घमंडी दोस्तों ने मुझे ले जाने से मना कर दिया था। तभी गोलू को बहुत दूर एक पहाड़ नजर आता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, दूसरी तरफ एक घने जंगल में। देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि ज्यादा आगे मत बढ़, ज्यादा आगे मत बढ़, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। अब भटकता रहे सारी जिंदगी इन जंगलों में खूंखार जानवरों के बीच। अरे गिल्लू, वो चमकता पक्षी रुकता ही नहीं था, बार बार उड़ जा रहा था, उसी के चक्कर में ये सब हुआ है। तो तुझे किसने कहा था उसे नजदीक से देखने के लिए? दूर से नहीं देख सकता था, बाड़म कहीं का। लेकिन नहीं, महाराज को तो उसे छू कर देखना है। उसी के लिए अपन भी भागे और मुझे भी यहाँ वीराने में भगा लाए। अरे गिल्लू, तू जल्दी से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोज। देख तो, अब रात भी हो रही है और मुझे जोरों की भूख लगी है। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ हाथ पर हाथ रख कर बैठा हूँ? सुबह से ही सोच रहा हूँ, बेवकूफ कहीं का। अरे गिल्लू देखो दोस्त, अब तुम नाराज मत हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब हो उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब तू बस अपना मुंह बंद कर और मेरे पीछे पीछे चलता रहे। तुझे जितना लीपना था तूने पहले ही लीप दिया है। गिल्लू और चंदू जंगल में भटकते रहते हैं, लेकिन बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तभी चंदू की नजर हवा में उड़ते हुए गोलू पर पड़ती है। वो उसे जोर जोर से पुकारने लगते हैं। ए गोलू, गोलू, ए गोलू, नीचे देख, नीचे, हम यहाँ हैं। गोलू की नजर गिल्लू और चंदू पर पड़ती है और वो उनके पास जाता है। अरे गिल्लू और चंदू, तुम दोनों यहाँ कैसे? ये सब इस बेवकूफ चंदू का किया धरा है गोलू। खैर वो सब छोड़, तू बस मुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बता दे दोस्त, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं तुम लोगों पर कोई मेहरबानी क्यों करूं? क्या तुम लोगों ने कल मेरा मजाक उड़ाते समय मुझ पर मेहरबानी की थी? अरे मेरे प्यारे दोस्त गोलू, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। क्या एक दोस्त अपने सबसे प्यारे, सबसे दुलारे दोस्त के साथ छोटा सा मजाक नहीं कर सकता? हाँ, अब प्लीज तुम अपना गुस्सा थूक दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, प्लीज रिक्वेस्ट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अभी बताता हूँ। गोलू उनको रास्ता बताने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि गोलू स्वयं रास्ता भूल गया होता है। अरे यार गिल्लू, मुझे तो याद ही नहीं है मैं यहाँ आया कहाँ से था। क्या ऐसा मत बोल गोलू, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अरे गिल्लू तुम समझ नहीं रहे हो, गोलू भी हमारी ही तरह मजाक कर रहा है, उसे सारा रास्ता याद है। नहीं रे चंदू, सच कह रहा हूँ, मुझे सच में रास्ता नहीं याद है, मम्मी कसम। गिल्लू, चंदू और गोलू तीनों भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहते हैं। तभी उन्हें पेड़ से फल तोड़ता हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखता है। वो तीनों उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ कैसे? क्या तुम भी यहाँ मेरी तरह रास्ता भटक गए हो? आपको कैसे पता बाबा कि हम रास्ता भटक गए हैं? अरे गोलू, वो सब बातें बाद में करना यार, अभी तो मेरे पेट में जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं, पहले मुझे कुछ खा लेने दे। बच्चों तुम जरूर भूखे होंगे, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति उन तीनों को लेकर अपनी गुफा में जाता है, जहाँ एक कबूतरी मरी हुई पड़ी रहती है। वो गोलू की ही कबूतरी होती है। अरे मेरी प्यारी कबूतरी, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे? क्या ये तुम्हारी कबूतरी है? हाँ बाबा, ये मेरी ही कबूतरी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई और इसकी मौत कैसे हुई? बुजुर्ग व्यक्ति गोलू और गिल्लू चंदू को सारी कहानी बताता है। आज से 10 साल पहले
जब मैं अमरनाथ तीर्थ यात्रा करने निकला था और तुम लोगों की तरह इस जंगल में भटक गया था। मैंने यहाँ से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन इस भूल भले या जंगल से बाहर नहीं निकल सका। तब से मैं ऐसी गुफा में रहता हूँ और जंगल से प्राप्त होने वाले फल फूल खाकर जीवित हूँ। क्या हम भी अब सारी जिंदगी यहीं फंसे रहेंगे? शायद हाँ। ये सुनते ही चंदू जोर जोर से रोने लगता है। मुझे घर जाना है, मम्मी पापा। क्या इस भूल भुलैया जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है बाबा? रास्ता है। आज सुबह जब मैं जंगल में फल तोड़ने गया था, तभी मुझे कबूतरी घायल अवस्था में पड़ी मिली। मैं उसे अपनी गुफा में ले आया और औषधि लगाकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। सुनो बाबा, तुम मुझे बचाने की कोशिश मत करो, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ कबूतरी? एक शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। उसी दुष्ट ने मेरे पति कबूतर की भी जान ले ली। जब वो रास्ते में आराम करने बैठा, तभी मैं मौका देखकर वहाँ से भाग गई। भागते हुए उसने मुझे देख लिया और मुझ पर गोली चला दी, जिससे मैं घायल हो गई और जैसे तैसे यहाँ आकर गिर गई। तुम चिंता मत करो नन्ही कबूतरी, अब यहाँ पर कोई शिकारी नहीं है, अब तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। लेकिन मुझे स्वस्थ नहीं होना है बाबा, मैं अपने पति कबूतर के बिना जीना नहीं चाहती, इसलिए मुझे मर जाने दो। लेकिन आपने मेरी जो सेवा की है, उसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। मैं अब इस घायल अवस्था में ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन मरने से पहले मैं आपको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता देती हूँ। ये बोलकर उस नन्ही कबूतरी ने अपनी चोट से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जमीन पर कुरेद दिया और अपने पति कबूतर के विरह में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। लेकिन उस कबूतरी ने जो रास्ता बताया है, हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? मैं तो दुनिया के किसी भी रास्ते पर चल सकता हूँ। क्योंकि रास्ते के बीच में एक खाई पड़ती है, जिसे हम पार नहीं कर सकते। तभी गोलू कुछ देर सोचकर खुशी से चीखते हुए बोला, जादुई गद्दे के द्वारा हम उस खाई को आसानी से पार कर सकते हैं। क्या, कहाँ है जादुई गद्दा? हाँ, मेरे पास हवा में पक्षी की तरह उड़ने वाला ये जादुई गद्दा है, इस पर बैठकर हम यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। सभी उस जादुई गद्दे पर बैठ जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। गोलू चंदू और गिल्लू को उसके माता पिता के पास छोड़कर अपने घर पर जाता है, जहां उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर मोहन और विमला के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, गोलू के दादाजी ही होते हैं। गोलू अपने दादा को वापस पाकर बहुत खुश होता है। रेगिस्तान के पास बसे एक छोटे से गाँव इंद्रपुर में सुरेंद्र और शची नाम का एक गरीब दंपत्ति रहता था। वो दोनों भगवान इंद्र के बहुत बड़े भक्त थे और रोज उनके मंदिर में हवन करते थे। ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। हे भगवान इंद्र, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हर साल हमारे गांव में खूब बारिश करते हैं, इसलिए रेगिस्तान में बसे होने के बावजूद हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं होती। इंद्रदेव स्वर्ग से मुस्कुराते हुए सब देख सुन रहे थे। सुरेंद्र और शची की एक बेटी होती है नीरजा, जो पढ़ने में बहुत होशियार थी। नीरजा की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। सुरेंद्र नीरजा के आगे की पढ़ाई को लेकर दिन रात चिंता में रहता, क्योंकि गांव में 12वीं से आगे कोई कॉलेज नहीं था। वो उसे पढ़ने के लिए शहर भेजने की सोचता है। आप पागल हो गए हैं क्या जी? हम गरीबों की बेटियां 12वीं तक पढ़ लें, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आखिर करना तो उन्हें चूला चौका ही है ना। तुम कैसी बातें करती हो भाग्यवान, क्या तुम चाहती हो कि नीरजा अनपढ़ रहकर हमारी तरह बन जाए? 12वीं तक पढ़कर कोई अनपढ़ नहीं कहलाता जी। वो जमाना गया भाग्यवान, जब लोग 10वीं पढ़कर ही ऊँचे ऊँचे सरकारी पदों पर बैठ जाया करते थे। आजकल तो जितना पढ़ो उतना कम है। पाँव उतने ही पसारना चाहिए जितनी चादर है। आपकी मजदूरी के पैसों से जैसे तैसे हमारा गुजारा होता है, क्या आप अपने उसी मजदूरी से नीरजा को शहर में पढ़ाने का खर्च उठा पाएंगे? मैं मानता हूँ मेरी मजदूरी से नीरजा की आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी,
लेकिन मेरा ये घर, ये तो कहीं नहीं गया ना। इसे ही बेचकर मैं अपनी नीरजा की पढ़ाई शहर के बड़े कॉलेज में पूरी करवाऊंगा। सुरेंद्र और सची ने अपना पुश्तैनी घर बेचकर नीरजा का दाखिला वरुणपुर शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया, जहां नीरजा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगी। सुरेंद्र और सची खुद इंद्रपुर के रेगिस्तान में एक टेंट लगाकर रहने लगे। इधर वरुणपुर शहर में वरुणपुर के आराध्य देवता भगवान वरुण, पिछले 2 वर्षों से वरुणपुर में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। हम लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं भगवान। जैसे तैसे लंबी लाइनों में लड़ झगड़ कर एक बाल्टी पानी नसीब होता है, उसी में खाना नहाना सब होता है। अब तो वो कुआं भी सूख गया है। आप कैसे भी कर हमारे शहर में बारिश करवा दीजिए भगवान, नहीं तो हमें भगवान शिव से ही अपनी जटाओं से गंगा बहाने को कहना होगा। फिर आपकी भला हमें क्या जरूरत। वरुण देव ऊपर स्वर्ग में बैठे सब सुन रहे थे। उन्हें भय था कि अगर वरुणपुर में बारिश नहीं हुई तो लोग उन्हें पूजना छोड़ देंगे। वो आनन फानन में भगवान इंद्र के पास जाते हैं। हे देवराज इंद्र, आज 2 वर्ष बीत गए, आपने सारे भारत वर्ष में वर्षा की, लेकिन वरुणपुर में एक बूंद भी नहीं बरसाया, ऐसा क्यों? वो इसलिए वरुण देव, क्योंकि वरुण शहर के लोग ना तो पेड़ पौधे लगाते हैं, ना ही पहले से लगे पेड़ पौधों की रक्षा ही करते हैं। ऊपर से व्यर्थ में अपने वाहनों का धुआं उड़ाकर वायु प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अगले 5 वर्ष तक मैं वरुणपुर शहर में कोई वर्षा नहीं करूंगा। अगर आप वरुणपुर में वर्षा नहीं करोगे तो मेरे भक्त मुझ पर क्रोधित होंगे भगवान। उन्हें लगता है मेरे कारण वरुणपुर में वर्षा नहीं हो रही है। कितनों ने तो मेरी पूजा करना ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं वरुण देव, आप उनसे कहिए वो आपसे वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करना आरंभ कर दे, इंद्रपुर गांव वालों की तरह। ओह, अब मैं समझा बात क्या है। आप नहीं चाहते कि वरुणपुर शहर के लोग मेरी पूजा करें, इसलिए ईर्ष्यावश आप मेरे भक्तों को दुख सागर में ढकेल रहे हैं। आप मुझ पर व्यर्थ आरोप मत लगाइए वरुण देव। भला मैं देवताओं का राजा इंद्र, एक साधारण से देवता वरुण से ईर्ष्या क्यों करने लगा? इंद्रदेव के मना करने पर वरुण देव इंद्रदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें सबक सिखाने की सोचने लगे। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। वो बुद्धि के देवता भगवान गणेश के घर कैलाश की ओर बढ़ने लगे। बस कुछ क्षण और इंद्रदेव, उसके पश्चात ये साधारण सा देवता वरुण, देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार और इंद्रपुर गांव वालों का आपके प्रति श्रद्धा दोनों को तोड़ ना दे तो कहना। नीरजा की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसकी नौकरी भी बांध बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में लग चुकी थी। एक दिन उसका बॉस गोविंद, देखो नीरजा, आज कितने दिनों बाद हमें सरकार से बांध बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं चाहता हूँ कि इस बांध को बनाने का प्रोजेक्ट तुम पूरा करो, क्योंकि सारी कंपनी में तुमसे काबिल एम्प्लॉय और कोई नहीं। नीरजा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए धन्यवाद सर, मैं आपकी उम्मीदों को हकीकत में कन्वर्ट कर दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। नीरजा अपने साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर जी जान से वरुणा नदी पर बांध बनाने में जुट जाती है। उधर ऊपर कैलाश में वरुण देव भी भगवान गणेश के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम भगवान गणेश। और ये वरुण देव, कहिए कैलाश पर कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? आपसे एक विनती है भगवान, मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। विनती? कैसे विनती? मैं चाहता हूँ कि आप वरुण नदी पर बांध बनाने वाली लड़की नीरजा की बुद्धि कुछ क्षणों के लिए हर लें। मैं बुद्धि का देवता हूँ वरुण देव, मेरा कार्य लोगों को बुद्धि प्रदान करना है, हरना नहीं। मैं अनावश्यक किसी की भी बुद्धि नहीं हर सकता। बुद्धि हरने से मना करने पर वरुण देव ने भगवान गणेश को उनका वो वरदान याद दिलाया जिसमें उन्होंने वरुण देव की एक इच्छा पूर्ण करने को कही थी। हुआ यूं था कि एक बार गणेश जी जब अपने पिता शिव जी का जल अभिषेक कर रहे थे, तभी उनके लोटे से पानी खत्म हो गया। तब वरुण देव ने ही उनके लोटे को जल से भरा था। इसी से प्रसन्न हो गणेश जी ने वरुण देव की एक इच्छा पूर्ण करने का वरदान दिया था। ये तो मेरे दिए वरदान का अनुचित लाभ उठा रहे हैं वरुण देव। आप निश्चिंत रहिए भगवान, कोई अनुचित लाभ नहीं उठा रहा हूँ। बस समझिए, हमारे स्वर्ग में रावण से भी बड़ा कोई अहंकारी और ईर्ष्यालु विद्वान है। ये सब प्रपंच उसी के लिए रचा गया है। अच्छा,
कौन है वो स्वर्ग का रावण? वर्षा के देवता देवराज इंद्र। गणेश जी इंजीनियर नीरजा की बुद्धि हर लेते हैं, जिसमें नीरजा गलत तरीके से बांध बना देती है जो अचानक से टूट जाता है और नदी का सारा पानी बहकर पास के इंद्रपुर नामक रेगिस्तान में बाढ़ ला देता है। बाढ़ आने से इंद्रपुर गांव में त्राहिमाम मच जाता है। लोग अपने आराध्य देव इंद्र से प्रार्थना करने लगते हैं। हे इंद्रदेव, ये आपको क्या हो गया है? हमारी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो आज आप हमारा ही विनाश करने पर तुले हुए हैं? इंद्रदेव ऊपर स्वर्ग से सब देख रहे थे और चिंता में तेज कदम ताल करते हुए टहल रहे थे। कौन है ये दुष्ट जिससे इंद्रपुर गांव का सूखा देखा नहीं गया? एक बार मेरे हाथ लग जाए उस पर वज्र से ऐसा प्रहार करूंगा कि आगे से इंद्रपुर की तरफ कभी अपने नेत्र उठाकर भी नहीं देखेगा। तभी इंद्रदेव का गुप्तचर आता है। स्वामी, आपके प्रिय इंद्रपुर गांव में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोगों के सारे घर बाढ़ की भेंट चढ़ गए। जो लोग कल तक आपके यश का गुणगान करते थे वो आज आपको अभद्र शब्द बोल रहे हैं। हमारे यश को धूमिल करने वाला वो दुष्ट कौन है गुप्तचर? वो वरुण देव है स्वामी। उन्होंने ही भगवान गणेश की सहायता से आपके महान यश को धूमिल करने का कार्य किया है। मुझे तो पहले से ही वरुण देव पर संदेह था गुप्तचर, अब तो पूर्ण विश्वास हो गया है। वरुण देव, आपने ये उचित नहीं किया। अब इसका दंड तो पूरे वरुणपुर वासियों को दूंगा, आप बस देखते जाइए। इंद्रदेव क्रोध के वशीभूत हो वरुणपुर शहर पर ढेरों बिजलियां गिराने लगते हैं, जिससे सूखे पेड़ पत्तों के कारण सारे वरुणपुर शहर में आग लग जाती है और सारे शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव और शहर के बॉर्डर पर बने एक बड़े से पहाड़ पर अपना डेरा जमाते हैं। वहीं पर इंद्रपुर गांव के लोग भी रहते हैं। अरे बेटी नीरजा, तू ठीक तो है ना? ना जाने हम लोगों पर ये कैसा संकट आन पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, ये सब मेरी ही गलतियों के कारण हुआ। मैंने ही बांध बनाने में गलती की, जिससे इंद्रपुर जैसे रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गया। नीरजा की ये बात सुनते ही सारे इंद्रपुर गांव के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और अपराधी नीरजा को मारने को दौड़े, लेकिन सुरेंद्र और शची ने जैसे तैसे नीरजा को बचा लिया। आप लोग पागल हो गए हैं, पहले ही हम इतने संकट में हैं, ऊपर से आप लोग हैं कि खैर, अब इस विघ्न से ना ही इंद्रदेव और ना वरुण देव हमारी रक्षा कर सकते हैं। आइए हम सब विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, वही हम इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। सभी इंद्रपुर और वरुणपुर वासी भगवान गणेश की आराधना करने लगे। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। सबको भगवान गणेश की आराधना करते देख इंद्र और वरुण देव बहुत क्रोधित होते हैं और एक एक कर सबकी जान लेने लगते हैं। इंद्र देव एक बड़ी सी बिजली सुरेंद्र पर गिरा देते हैं। वो दर्द से करहाने लगता है। आ, 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 आ। क्या हुआ पिताजी? लगता है इंद्रदेव ने मुझ पर बिजली गिरा दी है। अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा बेटी। ऐसा मत बोलिए पिताजी, आप तो इंद्रदेव के परम भक्त हैं। वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी वरुण देव वरुणा के जल को तिरछी दृष्टि से देखते हैं। उसमें से एक बड़ा लहर उठता है और नीरजा की माँ शची को अपने साथ बहा ले जाता है। बचाओ, बचाओ नीरजा, तू ऊपर पहाड़ों पर चली जा, नहीं तो ये लहर तुझे भी बहा ले जाएगा। नीरजा रोती बिलखती हुई माँ माँ चिल्लाती रहती है। भगवान गणेश का वाहन मूषक ये सब छिपकर देख रहा होता है। वो भगवान गणेश को इसकी सूचना देता है। प्रभु, प्रभु कहाँ है आप? क्या हुआ मूषक, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दो देवों के आपसी लड़ाई में सारी मनुष्य जाति संकट में पड़ गई है प्रभु। सुरेंद्र और सची नामक दो मनुष्यों की मृत्यु भी हो चुकी है। तुम क्या कहना चाहते हो मूषक, स्पष्ट कहो। मूषक भगवान गणेश को सारी घटनाओं के बारे में बताता है। भगवान गणेश इंद्र और वरुण देव को बुलाते हैं। कहिए भगवान, मुझे कैसे स्मरण किया? इंद्रदेव, आपके कारण आज सारा वरुणपुर अग्नि में झुलस रहा है। क्या एक देवता को मनुष्य जाति के साथ ऐसा अन्याय करना शोभा देता है?
वरुण देव ने ही पहले मेरे भक्तों के ऊपर संकट लाने हेतु इंद्रपुर के रेगिस्तान में बाढ़ लाने का षड्यंत्र रचा था। भगवान, ये षड्यंत्र मैंने इसलिए रचा क्योंकि इंद्रदेव ने अपनी पूजा करवाने के लिए मेरे भक्तों के शहर वरुणपुर में 2 वर्ष से वर्षा नहीं की थी भगवान, जिसके कारण वरुणपुर वासी बहुत दुखी थे। भगवान गणेश दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और इंद्र वे वरुण देव को समझाते हैं कि सुनिए इंद्र वरुण देव, आप लोग देवता हैं और देवता का अर्थ ही होता है सदा देने वाला, इसलिए हमारी आराधना कोई करे अथवा नहीं करे, हमें अपने दोनों रूपी कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। वो इंद्रदेव से कहते हैं, इंद्रदेव, दंड देने का कार्य यम देवता का है, इसलिए वरुणपुर वासियों के पेड़ पौधे ना लगाने का दंड आपको नहीं देना चाहिए। उचित समय आने पर यम देवता अथवा प्रकृति स्वयं उन्हें दंड देती। और वरुण देव जी, परम पूज्य श्री गणेश, आपको यदि इंद्रदेव से द्वेष था तो उसका क्रोध आपको षड्यंत्र रचकर इंद्रपुर वासियों पर नहीं निकालना चाहिए। देखिए आपके कारण कितने ही निर्दोष मनुष्यों के प्राण चले गए। इंद्र और वरुण देव को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और वो आगे से कभी ऐसा ना करने का प्रण लेते हैं। अंत में इंद्रदेव भयंकर बारिश से वरुणपुर की आग बुझा देते हैं। वरुण देव भी भगवान सूर्य से प्रार्थना कर इंद्रपुर के रेगिस्तान में आई बाढ़ के पानी को अपने प्रचंड ताप से सोखने को कहते हैं। सूर्य देव ऐसा ही करते हैं और रेगिस्तान के बाढ़ का सारा पानी सोख लेते हैं। भगवान गणेश ये सब देख बहुत प्रसन्न होते हैं और सुरेंद्र वे शची को जीवित कर देते हैं। वो नीरजा के बॉस को भी बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसके कारण उसके बॉस नीरजा को फिर से नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ दिनों में सब सामान्य हो जाता है। अब इंद्र और वरुणपुर वासी अपने आराध्य इंद्र और वरुण देव के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करने लगते हैं।